दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अपने मैसेंजर की होम स्क्रीन पर इस तरह से अपनी पसंद का कोई भी फोटो किस तरह से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना फोटो भी ऐड कर सकते हैं, अपनी पसंद का कोई और फोटो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा मैसेंजर में यूज कर पा रहा हूँ। यहाँ से मैं किसी भी चैट को ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि चलिए इस चैट को ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मेरा फोटो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी तरह से मैसेंजर की होम स्क्रीन पर भी मैंने फोटो लगाया हुआ है। अगर आप भी अपने मैसेंजर की होम स्क्रीन पर इस तरह से अपनी पसंद का कोई फोटो ऐड करना चाहते हैं तो इसको किस तरह से कर सकते हैं, उसी का प्रोसेस आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अपने मैसेंजर की होम स्क्रीन पर अपनी पसंद का फोटो ऐड करने के लिए आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो सबसे पहले तो उस लिंक पर क्लिक करके उस एप्लीकेशन को आपको अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने उस एप्लीकेशन को ऑलरेडी अपने फोन में इंस्टॉल किया हुआ, तो चलिए डायरेक्ट उस एप्लीकेशन को मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे आप फर्स्ट बार इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिलता है ग्रिड ओवरले का। आपको इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है, आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। नीचे की साइड आएंगे यहाँ पर आपको मॉकअप ओवरले का ऑप्शन मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक बटन देखने को मिल रहा है, इस बटन को आपको ऐसे ऑन कर देना है। जैसे आप इसको ऑन करेंगे आपसे एक परमिशन मांगेगा, इस परमिशन को आपको ऐसे अलाउ कर देना है। परमिशन अलाउ करने के बाद आपको बैक ले लेना है। अब बैक लेने के बाद यहाँ पर आपको दो बॉक्स देखने को मिल रहे होंगे, एक पोर्ट्रेट में और एक लैंडस्केप में। तो यहाँ से आपको जो पोर्ट्रेट वाला बॉक्स है इसको सिलेक्ट करना है और उसके बीच में आपको जो प्लस का आइकन मिलता है इस पर टैप करना है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो यहाँ से आप अपने फ़ोन की गैलरी को ओपन कर पाएंगे। चलिए मैं अपने फ़ोन की गैलरी को ओपन कर लेता हूँ। फ़ोन की गैलरी को ओपन करने के बाद अब आपको ऐसे सबसे पहले उस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है जिसे आप अपने मैसेंजर की होम स्क्रीन पर ऐड करना चाहते हैं। तो चलिए जैसे कि मैं किसी एक फोटो को आपको ऐसे सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो चलिए जैसे कि मैं उसी फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था। चलिए इस फोटो को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। फोटो को ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। आपको करना क्या होता है दोस्तों कि नीचे आपको जो ओपेसिटी का ऑप्शन है इसको आपको ऐसे इस तरह से इंक्रीज कर लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको जितना भी इंक्रीज करना चाहते हैं उसको इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 100% कर देता हूँ। लीजिए दोस्तों आपका काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आपके मैसेंजर की होम स्क्रीन पर आपकी पसंद का फोटो ऐड हो चुका है। जैसे कि चलिए मैं आपको मैसेंजर ओपन करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपने मैसेंजर को ओपन कर लिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे मैसेंजर की होम स्क्रीन पर हमारा सेट किया हुआ फोटो यहाँ पे आ चुका है। जैसे कि चलिए मैं यहाँ से किसी चैट को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी चैट के अंदर भी यही शो हो रहा है और हमारी होम स्क्रीन पर भी यही फोटो शो हो रहा है। तो इसी तरह से दोस्तों अगर आप भी अपने मैसेंजर की होम स्क्रीन पर अपना या अपनी पसंद का कोई फोटो ऐड करना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन की हेल्प से उस प्रोसेस से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इसकी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।